अबे फ्लैश ही नहीं यहाँ पे पार्टी लागे दे भाई बहुत बेइज्जती होने वाली है इस वीडियो के बाद मेरी घंटे का आविष्कार आज से लगभग 4000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। अपने उन्हीं पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घंटे के बटन को भक्ति भाव से दबाएं और मेरे वीडियोस की जानकारी मुफ्त में पाएं। हेलो ह्यूमंस, व्हाट्सअप। अभी थोड़े दिन पहले मेरी गर्लफ्रेंड का रिश्ता तय हो गया, मतलब ऐसे लिफाफे आगे पीछे हुए और हो गया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने बताया नहीं, सोचा सरप्राइज दूंगा। हे, आई एम योर बॉयफ्रेंड, यू आर माय गर्लफ्रेंड, लेट्स रॉक। उसने मुझे सरप्राइज दे दिया। लाइफ ना साला टॉयलेट जैसी हो गई है, कोई भी हक के जा रहा है। बट द रीजन व्हाई आई लव टॉयलेट इज बिकॉज मेरे बहुत सारे अच्छे आइडियाज टॉयलेट की देन है, एंड ऑल्सो बिकॉज आई शिट देयर, आई लव शिटिंग। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत सारों के साथ होता है। A study shows that about 72% of people get their most creative ideas while using the toilet or showering. And that's what we are going to discuss today. Imagine करो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, या ऑफिस का कोई काम, या जगलिंग। इसीलिए उसका रिश्ता तय हो गया। इन सारे कामों को करने में तुम्हारा ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। योर ब्रेन इज ट्राइंग टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। तुम पर प्रेशर है और तुम्हारे अंदर एंजाइटी है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में किसी नए क्रिएटिव आइडिया के लिए जगह नहीं रहेगी। ऑन दी अदर हैंड, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है, जैसे आप बस या ट्रेन की विंडो सीट पर हो, या आप शावर ले रहे हो, या अपनी टॉयलेट सीट पर मजे कर रहे हो, तब तुम अकेले हो और तुम पर किसी बात का प्रेशर नहीं है, और तुम ऐसे एनवायरमेंट में हो जो फ्री एसोसिएशन की एक्टिविटी के लिए परफेक्ट है, और तुम्हारे ब्रेन में नए आइडियाज और थॉट्स आ सकते हैं। Now you will start thinking many logical or illogical things. यार ये स्पाइडरमैन मकड़ियों से बात करता होगा क्या? जिससे उसकी सगाई हुई वो मेरे जितना क्यूट होगा? अबे जल्दी निकल रे, आज ही कर लेगा क्या सब? आ रहा हूँ। Psychologists इस mental setup को default mode network कहते हैं। According to them, you become less aware of your environment and more aware of your internal thoughts. It's just like meditation. Wow, I just compared meditation to toilet. सीधी सी बात यह है कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पे फोकस करते हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजीज वो गड्ढे हैं जिनमें आपके मेंटल व्हील्स फंस जाते हैं और आप नए आइडियाज तक नहीं पहुंच पाते हो। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जस्ट गो टू द टॉयलेट, क्योंकि जहां शौच वहां शौचालय ब्रो। सीरियसली ब्रो, यहां कौन सी आग बुझाएगा? और भैया कहाँ जा रहे हो? देखो यार, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए, वीडियो देखा, बहुत अच्छी बात है। देखो यार, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, और नहीं भी आया है तो भी कर दो, अपने बाप का क्या जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपने को ये बताओ कि तुम टॉयलेट में बैठ के क्या क्या सोचते हो। चलो अगली बार मिलेंगे, ओके बाय।